तो भाई फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, एक बहुत तगड़ा वन विन नाम का ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि आपको पता ही होगा बहुत से यूट्यूबर बेटिंग ऐप का प्रमोशन करते रहते हैं जिनमें से एक है वन विन। तो फाइनली राजवी सिसोदिया ने वन विन बेटिंग ऐप को एक्सपोज कर दिया है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वन विन के साथ कोलैब किया था। तो अब उनके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है। उन्होंने वीडियो में कुछ प्रूफ भी दिखाए, आप खुद देखिए आखिर राजवी सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। तो भाई फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, एक बहुत तगड़ा वन विन नाम का, कोई भी मेरा भाई इसमें पैसे मत लगाना। जितने भी आप देखते हो किसी क्रिएटर के पास, कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो, अभी एक मैच भी स्पॉन्सर कर रहे हैं जिसमें सारे हमारे यूट्यूबर खेल रहे हैं, वो वन भी नहीं कर रहा है स्पॉन्सर। सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा स्कैम है, कोई भी मेरा भाई इसमें पैसे मत लगाना। और जितने भी यूट्यूबर मुझे देख रहे हैं, कोई भी यूट्यूबर इसकी वीडियो मत करना क्योंकि इसकी जो लिंक है वो अगेंस्ट है यूट्यूब कम्युनिटी के। मेरा चैनल जा चुका है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे फिटनेस चैनल पे, वो जा चुका है बिकॉज इनका मैंने एक वीडियो कर दिया था गलती से, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो चैनल मेरा जा चुका है, उसके ऊपर मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर सकता हूँ अभी कुछ दिन तक भी। तो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं यूट्यूब वाले, कोई भी इनकी वीडियो मत करना क्योंकि तुम्हारा चैनल भी परमानेंटली जा सकता है। सालों की मेहनत एक दिन में खराब हो जाएगी जैसे मेरी हो गई है। ठीक है, तो इसके चक्कर मत पड़ना। और जो भाई मेरे देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, वो वन विन नाम के किसी भी प्लेटफॉर्म में एक भी रुपया अपनी जेब से मत लगाना, फ्रॉड है, स्कैम है, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखो। और किसी को ऐसे लग रहा हूँ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, भाई आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, भाई चैनल मेरा ब्लॉक हो चुका है, उसके ऊपर मैं कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। आप देख लो, वीडियो डिलीट हो गई, स्ट्राइक आ गई। और जो भाई मेरे हल्के में ले रहे हो, वन विन की वीडियो कर लेना और अपना चैनल उड़वा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑडियंस से मेरी दरख्वास्त है, कोई भी जेब से 1 रुपये मत लगाना, आपकी जेब से पैसा निकलवाएंगे, क्रिएटर को देंगे और आप जितना पैसा हारोगे उससे क्रिएटर का फायदा होगा और इनका फायदा होगा। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, खुले में बता। वहीं गाइस राजवी ने एक और स्कैम का पर्दाफाश किया है जिसमें कुछ लोग उनके नाम का मिसयूज करके लड़कियों को फंसा रहे हैं। आप देखिए आखिर राजवी सिसोदिया ने इस फ्रॉड के बारे में क्या कुछ कहा। तो भाई एक अपडेट और दे दूं, जो हमारी बहनें, जो लड़कियां मॉडल और एक्ट्रेस बनने के लिए परेशान रहती हैं, भाई उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उल्टे सीधे ट्रैप में मत आया करो क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है बहुत गंदी है और इस गंदी इंडस्ट्री को बहुत टुच्चे लोग दिखा के इसका झांसा देके क्या क्या करवा लेते हैं लड़कियों से, आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैंने लास्ट टाइम तो बताया था कि किसी लड़के ने मेरे नाम की स्नैपचैट आईडी बना के और कोई लड़की फंसा ली, उससे गूगल पे लेके पैसे कि मुझे ये खरीदना वो खरीदना, लड़की ने भेज दिए। अब फिर वीडियो कॉल की बात आई तो उसने वो ब्लॉग मार दी। अब वो लड़की ढूंढ डांड के पता नहीं कहां से मेरे इंस्टाग्राम पे आई, उसने मुझे गाली बकनी शुरू करी इनबॉक्स में, आरामजादे तुझे कीड़े पड़ेंगे ये वो। मैं बहन तू मुझे क्यों गाली बकरी, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। फिर उसने कहा तूने मुझसे स्नैपचैट पे बात नहीं करी, उसने मेरे से आईडी मांगी, फिर मैंने उससे वो स्क्रीनशॉट मांगे जिसपे उसने पैसे भेजे थे, तो उसने वो देखा। मैंने कहा यार घन चक्कर एक बात बता, मेरा नाम राजवीर है, तुम किसी अलग नाम के इंसान। फिर मैंने कहा भाई तुम अलग नाम से लड़का तुमसे आइडेंटिटी बना के तुम किसी के प्यार में पड़ गई हो और किसी अलग नाम पे पैसे भेज रहे हो तो कहीं तो दिमाग की बत्ती जलाओ यार, पहली चीज तो वो। उसके बाद एक नया हुआ है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनकर राजवीर नाम का, अभी नंबर डाल दूंगा अगली स्टोरी में। कल मुझे एक लड़की ने बताया, मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया उसके साथ यार, कि पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप पे वो लड़की उसके पहुंच गई, उसने अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बनाया कि मेरा नाम राजवीर है और मेरा कास्टिंग, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। और जो मेरे 2013-14 के कुछ शूटिंग के BTS थे ना, जब मैं मुंबई में TV वगैरह किया करता था, तो वहाँ के BTS अपने स्टेटस पे लगा के वो लड़की फांस ली उसने कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ ये वो, तो कि वहाँ चले जाओ उस लड़के से मिल लो, वो डायरेक्टर वो तुम्हें काम दे देगा, सीरियल में काम दिला देगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लो। पता नहीं क्या उस बेचारी का भज्जा पाला बना के और फिर उसके बाद ब्लॉक। अब वो लड़की ढूंढते मेरी प्रोफाइल पे आई, फिर उसने मेरी बैंड बजानी शुरू करी, मैं बहन कौन है तू, तब मुझे उसने बताया कि यार। फिर कल रात फिर उससे इंस्टा कॉलिंग पे बात हुई, तब उस लड़की ने मुझे बताया कि हाँ आप रियल राजवीर हो क्योंकि आपकी आवाज वही है जो रील में है, जो लड़का मुझसे बात करता था। मैं कई बार उसको पूछती थी कि जब आपका मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखती हूँ उसमें जब रील में आप बात करते हो तो आपकी आवाज डिफरेंट है, फोन पे डिफरेंट है। तो उस लड़के ने काट दिया कि वो तो वीडियो वगैरह बना के चक्कर में हमें आवाज चेंज करनी पड़ती है। तो भाई लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, उसके पता नहीं क्या क्या, मतलब कहने में भी शर्म आ रही है और सुन के भी मुझे बहुत दुख हुआ उस लड़की के लिए। उसने बोला कि भाई मुझे लगा मुझे सीरियल मिल जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो मैंने ऐसे वैसे कुछ उल्टा सीधा काम कर लिया और मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हो गया।
तो भाई मेरा किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर, कोई भी कास्टिंग, कोई भी स्नैपचैट, किसी भी ऐसी चीज से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ, मेरा खुद का ब्रांड है देसी गबरू। उसके अलावा मेरा किसी भी एक रुपए के किसी भी फ्रॉड से दुनिया में किसी से भी कोई मतलब नहीं है। किसी के पास कोई भी ऐसी कॉल आती है कास्टिंग डायरेक्टर बन के, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भाई देखो, ये नंबर है उस हरामखोर का जिसने राजवीर बन के, मतलब इसकी डीपी अगर आप सेव करोगे तो दिख जाएगा आपको, मेरी फोटो लगाई हुई है, मेरे नाम से बात करता लड़कियों से, फिर उनको सीरियल के मूवी के सपने दिखाता है, फिर उनसे उल्टे सीधे काम करवाता है, मतलब खुद सामने नहीं आता। ये बोला मैं बिजी हूँ, आप मेरा फलाना दोस्त है, फलाने होटल में आपका वेट कर रहा है, वहाँ जाके उससे मिल लो, बात कर लो, आपको सीरियल दिलवा देगा, जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे कर लेना। और कुछ बेचारी कम दिमाग की लड़कियाँ जो काम के लालच में उल्टा सीधा काम भी कर लेती हैं, तो भाई ऐसे कोई भी बहन मेरी ना करे, क्योंकि हर काम प्रोफेशनली होता है। अपना दिमाग, अपनी आँख नाक कान खुले रखो, किसी भी फ्रॉड मारने की जरूरत नहीं है। और ये भाई इसका नंबर है, सारे भाई से थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे देना, जब ऐसा लगे ना खाली बैठे हो थोड़ी देर के लिए, तभी फोन करके जितनी गाली बक सकते हो, जितनी आती हो दुनिया में उतनी बक देना, ठीक है। और सबसे रिक्वेस्ट है भाई, इस तरह के फ्रॉड में आने की जरूरत नहीं किसी के भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।